तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज निकल चुकी है। 13,000 वैकेंसी निकली है, जिसमें से केवल लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन की 355 वैकेंसियाँ निकली है, राइट? तो आप सब लोगों ने इसके फॉर्म भी भर दिए होंगे। अभी वैसे फॉर्म भरना चल भी रहा है, अभी अभी डेट ओवर नहीं हुई है केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरने की। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए केंद्रीय विद्यालय का आधा सिलेबस लेके आया हूँ। मैं आज आपको आधा सिलेबस समझाने की कोशिश करूँगा कि हमें किस किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है और किस तरीके से हम केंद्रीय विद्यालय के इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन में ये पूरा दिख पा रहा होगा। इस सिलेबस के हिसाब से रिटन टेस्ट जो है वो 180 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है? और जो हमारा इस 180 मार्क्स के टेस्ट में हमारा एक पार्ट वन रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश 15 नंबर की आएगी, जनरल हिंदी 15 नंबर की आएगी, ठीक है? और जनरल अवेयरनेस भी 15 नंबर की रहेगी, ठीक है? इस जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी है, रीजनिंग एबिलिटी भी है और कंप्यूटर लिटरेसी भी है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पूरा विजुअल हो पा रहा होगा, पूरा क्लियर हो पा रहा होगा। बाकी देखते हैं। उसके अलावा जो 180 मार्क्स का जो हमारा टेस्ट था, जिसके अंदर हमारे दो पेपर थे, पेपर वन में हमारा इंग्लिश हिंदी जनरल अवेयरनेस, इन तीनों को मिला करके हमारे 30 नंबर का क्वेश्चन था, पेपर था वो। और जो हमारा पेपर टू है, जो हमारा नॉलेज रिलेटेड जो हमारा एग्ज़ाम है, वो हमारा 150 नंबर का था, राइट? अब ये हमारा बाकी जो 30 नंबर है वो है हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट 60 मार्क्स का, जिसमें एक डेमो टीचिंग लिया जाता है। ये आपने जिस जिस ने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पहले से भी पता होगा, ठीक है? तो आगे देख लेते सिलेबस किस तरीके से है। सिलेबस की हमारी स्टार्टिंग होगी 6 पार्ट में, जिसमें से पहला पार्ट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अंदर हमें जिस जिस पॉइंट पे ध्यान देना है वो है लाइब्रेरी एज एन इंस्टीट्यूशन, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, अकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, जो तीन तरह की लाइब्रेरीज होती है उनके बारे में हमें पढ़ना है। रोल ऑफ UGC फॉर डेवलपमेंट ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरीज, रोल ऑफ लाइब्रेरी फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, मेरे को यही समझ में आया कि लगभग लगभग जो हमारा NVS का जो सिलेबस था सेम एज अभी तक का तो उतना ही है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इम्प्लीकेशन ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी विद स्पेशल लाइब्रेरी कॉरपोरेशन रिसर्च एंड शेयरिंग। सेम एज NVS का सिलेबस, जैसा हमने नवोदय विद्यालय की जैसे तैयारी करी थी, सेम के सेम वैसे ही अभी तक का सिलेबस रहा है। लॉज रिलेटेड लाइब्रेरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंडिया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट, लाइब्रेरी एक्ट। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, आज मैं आपको ये पहला पेपर जो पहला पार्ट था यही दिखा के छोड़ देता हूँ, क्योंकि सेम सेम एज जैसा कि हमारा केंद्र नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस था सेम ही है। तो मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा बताने के लिए आपके पास है नहीं। तो एक बार मैं इसको पूरा का पूरा पढ़ लूँगा, पूरा पढ़ के फिर मैं देखूँगा कि मतलब क्या इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको बताने लायक है। अगर रहा तो मैं फिर से एक वीडियो बना के लाऊंगा और आपको फिर उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।